हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इंटरग्रेटेड बीएड का जो काउंसलिंग है शुरू हो चुका है और इसकी पहली काउंसलिंग जो है फर्स्ट डे 19 सितंबर 2022 को किया गया, जिसमें कितने बच्चों ने भाग लिया और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और साथ ही साथ किस कॉलेज में कितना एडमिशन हो चुके हैं और किन किन ऑनर्स में कितने एडमिशन हुए हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे आपको। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। का न्यूज है 20/9/2022 का न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा, इसी के अनुसार हम जो भी जानकारी है आपको देने की कोशिश करेंगे। जो इंटीग्रेटेड बीएड जो आपका एडमिशन हो रहा है उसके लिए जो 4 वर्षीय है और इसमें टोटल 4 कॉलेज हैं आपको पता है, और टोटल सभी कॉलेज में 100-100 सीट हैं, तो इस प्रकार से 400 टोटल सीट होते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें 100 सीटों में साइंस के लिए 40 सीट हैं और आपको आर्ट्स के लिए 60 सीट है, इस प्रकार से सीट को बांटा गया है। उसके बाद देखें, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कहाँ पे काउंसलिंग चल रहा है, तो आप सभी को पता है कि नोडल विश्वविद्यालय जो एलएन मिथिला है वहीं पे आपको जुबली हॉल में आपको बुलाया जा रहा है एडमिशन के लिए। तो पहला दिन जो अभ्यर्थी जो बुलाए गए थे 1 से लेकर 300, आपको पता है कि आपको रैंक कार्ड भी आपका जारी किया गया, रैंक कितना है आपका, तो रैंक के अनुसार से बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो पहले जिन दिन जिनका रैंक 1 से लेकर 300 के बीच था उन्हीं सभी लोगों को बुलाया गया था। तो 300 रैंक के बीच जो स्टूडेंट गए थे उसमें से मात्र 125 स्टूडेंट जो थे बुलाया गया था, उनमें से 125 स्टूडेंट का ही काउंसलिंग हुआ, उनका सब कागजात जो है सत्यापन किए गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया और 125 बच्चों ने एडमिशन लिया है। एडमिशन नहीं, आपको काउंसलिंग हो चुका है, अब एडमिशन जो है जो भी फर्स्ट राउंड में बच्चों ने जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग चलने वाला है 23 तक चलेगा और 25 तक आपको एडमिशन ले लेना है, नहीं तो आप अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको आपका जो एडमिशन है रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ बात कहा गया है, नीचे आप देखिएगा तो देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि 25 तक आपको एडमिशन ले लेना है नामांकन सभी, और आप सभी को पता है कि 3000 का ड्राफ्ट लेकर जाया जा रहा है। तो ये सब बातें हो गई, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पे एक बात है कि अब कितने एडमिशन हुए थे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बता देते हैं, भौतिकी में बताया करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 जो है एडमिशन हुए हैं, और रसायन में 7 हुए हैं, जीव विज्ञान में 19 हुए हैं, वनस्पति विज्ञान में 2 हुए हैं, गणित में 26 हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर साइंस में बात किया जाए तो 26 बच्चों ने गणित से एडमिशन लिए हैं। उसके बाद हिंदी में 11 हैं, अंग्रेजी में 27 है, इतिहास में 4, भूगोल में 7 और संस्कृत में 3, राजनीतिक विज्ञान में 1 और आर्ट्स में 1, इस प्रकार से एडमिशन हुए। तो अगर बात करें आर्ट्स से, तो आर्ट्स में सबसे ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है इंग्लिश में, अंग्रेजी से और 27, उसके बाद आपको देख सकते हैं हिंदी में 11, उसके बाद यानी कि लैंग्वेज भाषा वाले ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो कॉलेज भाई बताया गया है कितने कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ है। तो सबसे पहले बैद्यनाथ शुक्ला जो कॉलेज है उसमें 23 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, उसके बाद बसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है इसमें 45 बच्चों ने एडमिशन लिया, सबसे ज़्यादा यहीं पे एडमिशन लिए गए हैं। उसके बाद माता सीता सुंदरम कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसमें 15 बच्चों ने एडमिशन लिया है, और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में 42 बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो इस प्रकार से एडमिशन किए गए हैं और इससे संबंधित बात यहाँ पर बताई गई है। अब बात है कि देख सकते हैं कि 1 से लेकर 300 रैंक के बच्चों को बुलाया गया, जिसमें से 125 एडमिशन हो चुके हैं, सीटें बचे हुए हैं तो 275 सीट बचे हुए हैं, देख सकते हैं 400 सीट है टोटल, आपको 125 पर एडमिशन हो चुका है और 275। अब आपको इसमें से आपको जो नर्स है उस प्रकार से आप छाट सकते हैं कितना सीट है, कितना में एडमिशन हो चुका है। और उसके बाद देख सकते हैं कि प्रत्येक दिन जो है आपको 300 रैंक तक को बुलाया गया है, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो है पहला दिन 1 से लेकर 300 रैंक था, फिर 300 ऐड कीजिए तो 600 रैंक तक को बुलाया गया दूसरा दिन, और उसके बाद फिर तीसरा दिन आपको लेकर 600 से लेकर 900, तो जिनका रैंक 900 के बीच होगा उनको बुलाया गया। इस प्रकार से 23 तारीख तक आपको चलेगा, तो उसमें पूछ सकते हैं कि आपको लगभग 1200 के बच्चों को एडमिशन हो जाएगा जिनका 1200 रैंक होगा। तो अधिकतम हमको पता है कि 2000 के आसपास जिनका रैंक होगा उनको आशा है कि कोई भी ना कोई कोर्स मिल सकता है और एडमिशन मिल सकता है। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।